आज पश्चिम बंगाल के दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, लोको सोनार बांग्ला घोषणा पत्र कार्यक्रम का करेंगे शुभारंभ। कार्यक्रम के जरिए बंगाल के सभी विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी की पहुंचने का लक्ष्य, घोषणा पत्र बनाने से पहले पूरे प्रदेश से लिया जाएगा सुझाव। दोपहर में बंकिमचंद चट्टोपाध्याय के आवास जाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, फिर एक जूट मिल में मजदूर के घर पर भोजन करेंगे। कार्यक्रम परिवर्तन यात्रा की एक रैली को भी संबोधित करेंगे जेपी नड्डा। आनंदपुरी खेलर मठ जाएंगे, यहां पूजा अर्चना करेंगे। नड्डा अलग अलग विधानसभाओं से रथ यात्रा को दिखाएंगे हरी झंडी। कोलकाता में लोको सोनार बांग्ला की एक बैठक को भी संबोधित करेंगे। बंगाल में वैक्सीन पर गरमाई सियासत, ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी, कहा राज्य में फ्री वैक्सीनेशन का इरादा, केंद्र करे मदद। ममता की चिट्ठी पर बीजेपी का पलटवार, अमित मालवीय का ट्वीट, कहा पहले दी गई वैक्सीन का क्यों नहीं हुआ इस्तेमाल, ममता की चिट्ठी को बताया शर्मनाक सियासत। पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले तेज हुई सियासी बयानबाजी, ममता बनर्जी ने हुगली की रैली से पीएम मोदी के खिलाफ दिया विवादित बयान, बताया दंगेबाज। ममता बनर्जी ने ट्रंप के साथ की पीएम मोदी की तुलना, कहा अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति से भी बुरे होंगे हालात। आज बंगाल दौरे पर जाएगी चुनाव आयोग की टीम, राज्य में चुनाव की तैयारियों का लेगी जायजा। आज तमिलनाडु और पुडुचेरी के दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी, कई योजनाओं का करेंगे उद्घाटन। तमिलनाडु को थर्मल पावर और सोलर पावर प्रोजेक्ट की पीएम देंगे सौगात, कोयम्बटूर में एक चुनावी सभा को भी करेंगे संबोधित। पुडुचेरी में पीएम मोदी 56 किलोमीटर लंबे फोर लेन और एक मिनी बंदरगाह का शिलान्यास करेंगे, साथ ही एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। बजट और विनिवेश को लेकर वेबिनार में शामिल हुए प्रधानमंत्री मोदी, बोले कारोबार करना नहीं है सरकार का काम। बजट घोषणाओं पर पीएम मोदी ने निजी क्षेत्र की गिनाई खासियत, कहा अपने साथ मॉडर्न तकनीक और नौकरी के अवसर लाता है प्राइवेट सेक्टर। आज असम के दौरे पर जाएंगे गृहमंत्री अमित शाह, नौगांव के महामृत्युंजय मंदिर में आयोजित खास महोत्सव में करेंगे शिरकत। मंदिर पूजा कार्यक्रम के बाद एक रैली को करेंगे संबोधित अमित शाह, दोपहर बाद शांति और विकास रैली में करेंगे शिरकत। लद्दाख के पैंगोंग इलाके में डिसएंगेजमेंट को सेना प्रमुख ने भारत की रणनीति की बड़ी कामयाबी बताया, कहा इससे दूसरे इलाकों पर भी चीन बात करने पर होगा मजबूर। इस वेबिनार में सेना प्रमुख जनरल नरवणे ने पाकिस्तान को भी हरकतों से बाज आने की दो टूक चेतावनी दी, कहा सेना की निगहबानी में हमारी सरहदें पूरी तरह से महफूज। रेलवे घोटाला मामले में नीरव मोदी के भारत प्रत्यर्पण पर फैसला, आज लंदन की मजिस्ट्रेट अदालत सुनाएगी फैसला। कोविड के बढ़ते केस के बीच केंद्र सरकार का बड़ा ऐलान, पहली मार्च से 60 साल से ज्यादा उम्र वालों को लगेगा टीका। एक मार्च से ही 45 साल के ऊपर के लोग जिन्हें गंभीर बीमारी है उनको भी लगेगी वैक्सीन, केंद्र सरकार के सभी मंत्री पैसे देकर लगवाएंगे वैक्सीन। सरकारी अस्पतालों में फ्री में लगेगा टीका, लेकिन प्राइवेट अस्पतालों में होगी पेड वैक्सीनेशन की सुविधा, अभी तय नहीं है कीमत। महाराष्ट्र में लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले, पिछले 24 घंटे में सामने आए 8,800 से ज्यादा नए मरीज, एक दिन में 80 लोगों की मौत। इंदौर में अब तक 8 लाख से ज्यादा लोगों की हो चुकी है कोविड जांच, 7% से ज्यादा पॉजिटिविटी रेट। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप, हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।